हेलो फ्रेंड्स, अगर आप देखोगे एक लंबे समय के बाद आई एम बैक फॉर एनालिसिस इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। कुछ पर्सनल कमिटमेंट थे, इसके लिए मैं कुछ दिनों के लिए ट्रेड और लाइव एनालिसिस नहीं कर सका, बट नेवरदलेस कल एक्सपायरी है और हम फैंटास्टिक ट्रेड करने वाले हैं। आज भी अगर आप देखोगे तो सुबह से हमारे टीम ने अच्छा खासा दो या तीन ट्रेड्स किए, सभी के सभी सही थे, बट क्योंकि मूव्स बड़ी थी तो डेफिनेटली लोगों को लालच के वजह से अगर टाइमली एग्जिट नहीं हुए तो लॉस या छोटा प्रॉफिट होने के चांसेस है। नेवरदलेस अगर आपको भी ऐसे एनालिसिस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी है, उसे ज्वाइन करना। जो नए हैं, पहले बार देख रहे हैं, नहीं जानते हैं, मेरा नाम तुषार घुने, हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके। यस, आई एम सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, बट मैं यहाँ पे कुछ भी टिप्स या एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ। वॉट एवर आई एम डूइंग इट्स प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पज। बेल बटन हिट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि अब से जब हर शाम मैं आऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो फिर देर किस बात की, आइए चलते हैं कल क्या होने वाला है, क्योंकि कल धमाका है एक्सपायरी में। और थोड़ा सा संभल के रहना क्योंकि ये धमाका ऊपर या नीचे के डायरेक्शन में है, ये मैं आगे जाके आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपना सीन चेंज करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे तो S&P 500, और S&P 500 क्या दिख रहा है आपको आवरली चार्ट में, कि यहाँ पे देखोगे ना एक फेल्ड अटेम्प्ट था, नीचे जा रहा है। अब यहाँ पे सपोर्ट लेगा, यहाँ पे सपोर्ट लेगा, हमें नहीं मालूम, बट मोर और लेस अगर आप जान चुके हो कि S&P 500 रेंज बाउंड है, इतना ज़्यादा इंडियन मार्केट को ये तकलीफ नहीं देगा। तो S&P 500 को थोड़े देर के लिए हम अलग रख देते हैं। निफ्टी का चार्ट हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब निफ्टी के मैं कौन से आपको चार्ट्स दिखाऊंगा, रिमूव ड्राइंग, रिमूव इंडिकेटर्स। मैं पहले डेली चार्ट में आता हूं निफ्टी के। अब डेली चार्ट में अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, अब ये थोड़ा सा ध्यान देना। ओके, ये क्या चल रहा है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे एक ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है। ओके, अब कैसे हो रहा है, तो हमेशा आप देखोगे तो अच्छा खासा यहाँ पे ये रेजिस्टेंस को पहले बार तोड़ने देखा, नहीं टूटा, सेकेंड टाइम तोड़ने देखा, नहीं टूटा। अब यहाँ पे जब टूटा तो सही, बट वापस नीचे आ गया। अब ऐसा क्यों हो सकता है, आपको क्यों लग रहा है कि ये ऐसे क्यों हुआ, क्यों एक शॉट में ही ज़बरदस्त नहीं चला गया, थोड़ा सा आपको लेफ़्ट साइड में देखना होगा। आप देखोगे ना ये रेजिस्टेंस लाइन में ये एक पार्ट है जो परेशानी दे रहा है, ये बताता है कि यहाँ पे अभी भी सेलर्स छुपे हुए हैं और ये लाइफ में परेशानी देंगे ये पॉइंट पे। ओके, तो अब एक चीज़ आपने पिछले बार फॉलो की रहेगी कि ये एक बहुत ही आज बेहतरीन पिन बार है। ओके, बट आपको पता रहेगा कि पिन बार सिर्फ पिन बार में सही नहीं है, आप देखोगे सही नहीं है। पिन बार विथ बिग लॉन्ग ग्रीन कैंडल बहुत फंटास्टिक मूव देता है। ओके, यहाँ पे भी देखो सिर्फ पिन बार सही नहीं है। एक अच्छी खासी अगर ग्रीन कैंडल रहेगी ना तो बहुत अच्छा मूव देता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मार्केट को 18,600 तक जाना है या 18,000 इनफैक्ट ये पॉइंट टच करना है 18,461, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कल एक्सपायरी है और कल ही मार्केट को एक अच्छा खासा मुंह देने की ज़रूरत है, क्योंकि पिन बार विद ग्रीन कैंडल ही बड़ी रैली देती है। तो यहाँ पे कल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट ऐसा होना चाहिए अगर मार्केट को नेक्स्ट टारगेट 18,600 करना है। और आप थोड़ा सा ध्यान देना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट दिन था आज का। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ, थोड़ा सा आप अगर होलिस्टिकली थोड़ा सा सोचोगे तो, अगर आप बेसिक भी स्टॉक मार्केट का जानते हो तो
तो आप देखोगे ये ट्रेंड लाइन है, सॉरी ये रेजिस्टेंस है. अब ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया बट सेल आउट प्रेशर आया, राइट. आपने S&P 500 में क्या देखा, आपने देखा जैसे ही ब्रेकआउट किया ये रेजिस्टेंस लाइन को, सेल आउट प्रेशर आप देखिए कितना बढ़िया था जो नीचे चला गया. अब बहुत तकलीफ होगी S&P 500 को वापस ऊपर जाने के लिए, बट यहां पे आपको क्या दिख रहा है कि जैसे ही ऊपर चला गया, नीचे जाने के बदले जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड था, चट से ऊपर की कैंडल आ गई. तो कल सबसे पहले क्या है याद रखना, अगर 15 मिनट्स में, ओके, अगर 15 मिनट्स में लिख के लेना चाहिए तो इन 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल, प्रॉपर ग्रीन कैंडल कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से चल जाएगी, बट ये प्रॉपर नहीं है क्योंकि ये न्यूट्रल कैंडल है. अगर 18350 के ऊपर क्लोज होती है, प्रॉपर ग्रीन कैंडल अबाव 18350, तो कल एक्सपायरी में धमाका होने वाला है. और कहाँ तक मार्केट जा सकता है, तो मार्केट स्ट्रेट अवे 18430 या मैं कहूँगा 500 भी जा सकता है. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, 18430 या 18500 तक, अगर 18350 में 15 मिनट की भी कैंडल क्लोज हो गई, ओके, और ज़्यादा दूर नहीं है, आप खुद देख सकते हो इतना भी ज़्यादा दूर नहीं है, जस्ट ये थोड़ा सा मैंने सेफ साइड के लिए ऊपर का बता दिया है. बट आप देखोगे, मैं चाहिए तो आपको 15 मिनट्स में दिखा देता हूँ, ये डेली चार्ट है इसके लिए आपको बड़ा लगता रहेगा. 15 मिनट्स में आप देखोगे ना इतना ज़्यादा दूर नहीं है. और आज ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे देखना, ये 9 मई का है, राइट. आज बाद में, आज मॉर्निंग को इतना बड़ा सेल आउट आया था, बट आप देखोगे ऑलमोस्ट टच करने को ट्राई कर रहा था. तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर पावर रहेगा ना मार्केट में, तो कल कैसे ओपन होगा ये मैं बोलता हूँ, आप थोड़ा सा नोट कर लो. गैप अप होगा, ओके, 18345 या 18350 के आसपास, ओके. स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ कैसे ये होगा. यहाँ पे गैप अप होगा, चाहिए तो नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करेगा, ओके, और फिर जब मुंह आएगी तो ये ऐसे ऐसे करके 18400 और 18500 भी जा सकता है. अगर सुपर बुलिश है, ओके, अगर बहुत ज़्यादा बुलिश है, तो फिर क्या होगा, ये इसके ऊपर ओपन होगा, ओके, यहाँ पे जाने की कोशिश करेगा, ओके, कुछ ऐसे, इमीडिएटली एक पिन बार आएगी कुछ ऐसे और 18350 के ऊपर लेके जाएगी, ओके, और फिर यहाँ पे आप देखोगे तो आपके 18400 आराम से बन सकते हैं. तो इन शॉर्ट मैं क्या कहना चाहता हूँ, अगर ये रेंज में मार्केट खुला ना, ये रेंज क्या है, 18320 टू 18350, बहुत संभल के ट्रेड करना. रीज़न इज़ वेरी सिंपल, रिवर्सल यहाँ पे आके ये ट्रेंड लाइन तक जा सकता है, ओके, वेरी सिंपल. बट गैप अप होके, सभी सिचुएशंस हम ले रहे हैं, गैप अप होके रेड कैंडल ट्रेड नहीं करना है. क्यों? क्योंकि नीचे आ सकता है, नीचे आ सकता है, ओके. बट गैप अप होके ये सभी सिचुएशंस को कल आपको फेस करना पड़ेगा, इसके लिए आप प्लीज़ ये मत करना. अगर ऐसे जा रहा है तो ही 18400 तक जा सकता है. होप आपको ये क्लियर हुआ, यही है. और किसके नीचे आप शॉर्ट का देखोगे, तो बहुत सिंपल, अगर गैप डाउन हो गया, ओके, और स्ट्रेट अवे 18280 या मैं कहूँगा इनफैक्ट 18300 के नीचे भी चला गया, तो बहुत मुश्किल है लाइक वापस ये होना. एक्सपायरी ठंडी रहेगी, लिख लेना.
ओके अब मोस्टली व्यू बुलिश ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने देखो डिटेल में ऊपर के तीन कंडीशंस बताए। अब नीचे के साइड में बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में भी हमें देखना है राइट, कुछ फंटास्टिक ट्रेड बन सकता है कि नहीं बन सकता। यहाँ पे आप देखोगे ना बैंक निफ्टी में एक ट्रेड आपका ऐसा बनेगा 43,500 के ऊपर ही लॉन्ग, और कहाँ तक आप सोच सकते हो 43,700 तक पहला टारगेट रहेगा। और कल अगर इसके नीचे यानी कि ये पॉइंट के नीचे 43,100 के नीचे मार्केट 15 मिनट्स रेड कैंडल में क्लोज हो रहा है कुछ ऐसे, तो आप पकड़ लो ये टारगेट आएगा यानी कि 42,800 भी आएगा, और समझ लो निफ्टी में भी तब बेरिशनेस दिखाई देगा तो 42,600 भी आ सकता है। अब एक चीज़ याद रखना, निफ्टी ज़्यादा बुलिश है अभी के लिए, कल क्या होगा देखना पड़ेगा, क्योंकि सडनली होता क्या है कि बैंक निफ्टी कभी कभी गैप अप कर देती है। निफ्टी ज़्यादा बुलिश है, बैंक निफ्टी ये देखो ये 15 मिनट्स का चार्ट है, मैं इसको आवरली कर देता हूँ। ओके निफ्टी ज़्यादा बुलिश है, बैंक निफ्टी कम बुलिश है, बट बैंक निफ्टी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के यहाँ पे है, तो कल बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बैंक निफ्टी एक महाभयंकर ब्रेकआउट दे के ये एंगल पहुँच सके। तो ये ट्रेंड लाइन सभी लोग जो है बैंक निफ्टी को ड्रॉ करना मत भूलना, ट्रेंड लाइन के ऊपर बहुत अच्छी न्यूज़ है, तभी ही बुलिश जाना, यानी कि ये पॉइंट के ऊपर 43,411 जो भी आपको दिखाई दे। बट अगर छोटी सी कैंडल बन रही है तो क्या होगा ये भी नोट कर लो, यहाँ पे वापस सेल ऑफ है तो यहाँ पे वापस अटक जाएगा। हम चाहते हैं कि कुछ इस तरीके से बने बड़ी कैंडल और यहाँ तक ये हो। तो सब आपने वैल्यूज़ और ये सब नोट किए रहेंगे, बार बार आप देख सकते हो। आज सीखने सिखाने में मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं गलाऊंगा, आने वाले दिनों में डेफिनेटली मैं कुछ सिखा सकता हूँ। और ये पॉइंट यानी कि आप देख रहे हो ना, ये पॉइंट क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन बन सकती है, और ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट तभी ही हो रहा है। इसके लिए मैंने 43,100 या 43,90 कहा था, और जैसे ही ये नीचे जाएगी आपको पहला ये जो कि 42,800 और 42,600 देख सकता है। तो बैंक निफ्टी में सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, और अब तक अगर कोई मुझे पूछेगा कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट कहाँ पे होने वाला है बताओ, तो फिलहाल तो लग रहा है कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट ऊपर के डायरेक्शन में नहीं होगा, बट कल मॉर्निंग में ही आपको पता चलेगा। बहुत से बार ऐसे होता है, क्योंकि आप हैरान हो जाओगे, ये रिवर्स नहीं होता है, मॉर्निंग में ही नया कुछ हो जाता है और मार्केट अपना ये देता है। सो बैंक निफ्टी फिर भी सिमेट्रिकल इसमें फंसी हुई है। बैंक निफ्टी का एनालिसिस बहुत सिंपल है, ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर 15 मिनट्स या आवरली कैंडल क्लोज हो गई, बहुत बड़ा एक्सपायरी ऊपर के डायरेक्शन में, अगर यहाँ पे एक अच्छी खासी रेड कैंडल 43,200 के यहाँ पे भी आवरली में दिख गई, तो समझ लो कि नीचे के डायरेक्शन में एक्सपायरी के चांसेस ज़्यादा है। सो होप आज आपको पसंद आया होगा। थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, डोंट वरी, लाइक और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, या मैं आपको फिर आने वाले दिनों में मोबाइल ऐप के भी डिटेल्स बताऊंगा, जहाँ पे आप सब बेसिक चीज़ ये सब सीख सकते हो। थैंक्स अ लॉट, और आज आपको कैसे लगा, क्या किया, मुझे कमेंट करके बताना।